नमस्कार, घटनाचक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ, कुछ खास मेहमानों के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। नक्सलीगढ़ दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंसा छोड़ अमन के रास्ते पर आए नक्सली। और भूमि अधिग्रहण कानून पर टकराव के बाद अब जीएसटी बिल पर भी सरकार और कांग्रेस आमने सामने। चलिए, तो आज हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दो खास मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है, 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा पहुंचा। आपको बता दें, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और वहां पहुंच करके नक्सलियों से शांति की अपील की गई। कहा गया कि आप 5 दिन के लिए बंदूक छोड़ करके हल थामें और आपको इस बात का एहसास होगा। तो एक इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हुसैन दलवाई साहब हैं, सांसद कांग्रेस पार्टी के। दिनेश सिंह जी हैं, नेता भाजपा के। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप राइटर जैन टीवी के। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से अपील की गई और 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर इस इलाके में पहुंचा है और वहां पर जिस तरीके के, आपको लगता है कोई असर पड़ेगा इसका? और वाकई में क्या इस संदेश से कुछ लोग बदलेंगे, या जिस तरीके की भावनात्मक अपील की गई कि उस बच्चे को जाकर के देखिए और उस बच्चे की आंखों में झांकने की बात की गई, जिसके परिवार को, जिसके माँ बाप को आपने मारा है, तो निश्चित रूप से आप बंदूक नहीं उठाएंगे और आने वाले समय में एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, जो तमाम अपील की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री की जो अपील है अपनी जगह सही है, भावनात्मक अपील की है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें भावनाओं का कोई संबंध रह गया है। सही बात है कि जो लोग हृदयहीन लोग हैं जी, मतलब उन लोगों की स्थिति ऐसी ख़राब कर दी गई है, ये जो जंगल में लोग रह रहे हैं, गांव में लोग रह रहे हैं, दूर दराज में लोग रह रहे हैं, विकास की किरण उन लोगों तक पहुँची नहीं है। तो पहले तो आपने उन लोगों को हृदयहीन बना दिया है, तो जो हृदयहीन लोग होते हैं उनमें भावनाएँ कहाँ होती है? तो जो भावनाहीन लोगों से भावनात्मक अपील करें, ठीक है, अपील करना अच्छी बात है, लेकिन उनसे ये उम्मीद करना कि उनकी भावनात्मक अपील का कोई असर पड़ेगा, हमें नहीं लगता। जब तक ग्राउंड रियलिटी आप नहीं देखेंगे, सही बात है कि जिन इलाकों में नक्सलवादी घटनाएं घट रही है वहाँ पर स्टेट फेल हो चुका है, तो पहले स्टेट को तो आप रिस्टोर कीजिए। और स्टेट को रिस्टोर करने का मतलब नहीं है कि आप बंदूक और ताकत से रिस्टोर कीजिए, उसके साथ जो समस्या आ रही है उसके साथ आप जुड़िए। आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम फेल हो गया है। आज ये दंतेवाड़ा में अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और कल क्या हुआ बम्बई में, तो उसका क्या संकेत जा रहा है? वो भी तो एक तरह की अपील ही है कि भाई, एक तरफ है कि पूरा एकदम ऐसी अनहोनी घटना घट गई, मतलब कि एक व्यक्ति है को एक मिनट तक आप जेल में नहीं रख सकते, ठीक है कि उनका अधिकार था बेल पाना, बेल उनको मिलना ही चाहिए था, लेकिन जिस तेजी से बेल मिला, जिस तरीके से बेल मिला, वैसा किसी को नहीं मिला था। तो इससे जो संकेत जाता है, और अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार 80% से ज़्यादा क्षेत्रों में हो गया हमारे देश के क्षेत्र में, तो उसमें जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, तो जो ये आक्रोश बढ़ रहा है बम्बई और दिल्ली के लोगों से, जो आप कमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो लोग भी तो लोग हैं जो कमेंट सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं। तो ये जो स्टेट जो फेल हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है पूरा का पूरा जो स्टेट वहाँ पर उसका पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, अगर नक्सलवादी पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलाते तो कोई और वादी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे होते। तो आपका जो कि स्टेट का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर, तो स्टेट को वहाँ अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। मैंने कहा कि असर्ट करना पड़ेगा अपनी ताकत से, स्टेट को अपने आप को वहाँ स्थापित करना पड़ेगा। हमारा जो संविधान का जो प्रिंसिपल जो है दिया गया है, स्टेट पॉलिसी का है प्रिंसिपल है, उसको आपने लागू नहीं किया, मतलब संविधान को भी वहाँ आपने ढंग से लागू नहीं किया है। तो संविधान को लागू करने की जो आपकी विफलता है, उस विफलता के कारण एक असंवैधानिक या संविधान विरोधी एलिमेंट वहाँ खड़ा हो गया। तो वहाँ पर जो गैर संवैधानिक गतिविधियाँ हो रही है, गैर कानूनी गतिविधियाँ हो रही है, वो हो रहा, तो उसके लिए आप संविधान को वहाँ पर लागू कीजिए, संविधान को वहाँ स्थापित कीजिए और स्टेट को वहाँ स्थापित कीजिए। स्टेटलेस की स्थिति रहेगी, आप एक स्टेट के रूप में नहीं दिखाई पड़ेंगे, बल्कि आप एक दमनकारी ताकत के रूप में वहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो जिनका दमन हो रहा है, तो फिर आप उसके बाद भावनात्मक अपील कीजिए। इसलिए मेरा मानना है कि वो जो अभी भी या कभी भी वहाँ की जो समस्या है, जो भी नक्सलवादी क्षेत्र है, उस समस्या का समाधान आप बंदूक से, गोली से, ताकत से नहीं कर सकते हैं, और इस तरह की भावनात्मक अपील से भी नहीं कर सकते। वहाँ है जो स्टेट को आपको इस्टेब्लिश करने पड़ेगा, स्टेट को स्थापित करना पड़ेगा, और संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के लिए जो दिए गए हैं, उसको आपको स्थापित करना पड़ेगा, और उसमें पूरी ईमानदारी दिखलानी पड़ेगी। चलिए दिलीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से, एक तो भावात्मक अपील की बात है, दूसरा कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री
की तरफ से भी बयान आया था कि किसी भी तरीके की नक्सली वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक ऑपरेशन चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। और इन दोनों के बीच या जो अभी उपेंद्र जी कह रहे थे कि एक तरफ भावात्मक अपील है और एक तरफ बंदूक से भी डील किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है इस समस्या को, लंबे समय से चली आ रही समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, वजह आप क्या मान रहे हैं और प्रधानमंत्री की अपील पर? आप इसके दो पक्ष हैं। एक तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हुसैन दलवाई सिर्फ सांसद नहीं है कांग्रेस पार्टी के, बल्कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है जी। तो अपने दर्शकों के लिए ये हम बता देते हैं। लेकिन जो सवाल आप उससे पूछ रहे हैं, जो उपेंद्र जी कह रहे हैं उसमें दो अलग अलग चीजें हैं। जो कुछ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत सलमान खान को अगर बेल मिला, उससे अगर मीडिया में चर्चा करके और एक संकेत ये जा रहा है कि अमीरों के लिए यहाँ पे न्याय आसानी से मिलता है और गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, इन चीजों से बिल्कुल सही बात है कि लोगों के मन में क्रोध भी होता है, गुस्सा भी होता है, और इस तरह से लोग, ऐसे लोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी बहकावे में आ सकते हैं, ये आते हैं। लेकिन कुछ जमीनी हकीकत भी है। गरीबी जो है, जिस तरह से जो उन्होंने कहा स्टेट के को एसर्ट करने के लिए नहीं बल्कि स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्टेट की जो भूमिका है, राज्यों की जो भूमिका है, जो राज्य को जो करना चाहिए लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वो जो काम करने की जरूरत है, ये एक पक्ष है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जो लोग आज उस हिंसा से जुड़े हुए हैं, उनका भी कोई बहुत मजबूत कोई जो आइडियोलॉजिकल जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसमें वो भी पिछड़ चुके हैं, और पिछड़ नहीं चुके बल्कि आइडियोलॉजी से के साथ उनका जो रिश्ता है वो कमजोर हुआ है, और साथ ही साथ उनका जो एक किसी कोई जो एक चाहे वो आंतरिक हो कह लें या बाहरी जो प्रभाव है उससे ज्यादा वो आज प्रभावित है। तो नक्सल इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखूं कि नक्सल एज अ जो मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसका जिसके अलग अलग एक्सप्रेशंस थे, आज वो नक्सल मूवमेंट वो नहीं है जिस आइडिया आइडियोलॉजी के लिए इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज आज वो हिंसा जो है उसमें कई तरह के उसमें खामियां हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच के वो अपील करते हैं और एक तरह से दूसरी तरह से जो स्टेट वहां से जो डील करता है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप हिंसा छोड़िए, बिल्कुल स्वाभाविक अपील है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन आप देखिए स्टेट ऐसे चीजों से डील कैसे कर रहा है, किस आधार पर कर रहा है, क्या हमारे पास कोई नीति है, क्या हमारे पास कोई रणनीति है, क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है, जो इंटरनल हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या जो इसको हम अभी तक इसको क्या ये नक्सल हिंसा है, क्या लेफ्ट विंग टेररिज्म है, कि किस तरह से इसको हम देखते हैं और इसको डील करने की हमारी सोच क्या है, हमारी मतलब सरकार की सोच क्या है। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन अभी भी है इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी कम टू डील विद द इश्यूज इन इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी हो, चाहे ये टेररिज्म हो। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है वो ज्यादा से ज्यादा जो लोग प्रभावित हो रहे हैं ऐसे आइडियाज से, उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए ये भाषण का जो ये अंश है कि आप जब किसी को मारते हैं या जब हिंसा में आप जाते हैं, हिंसा में आप शरीक होते हैं, आप हिंसा कार्रवाई करते हैं, तो आप ये सोचिए आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप उन परिवारों जिनसे आप लड़ने की बात करते हैं उन्हीं को आप यतीम बनाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए, या ऐसे लोग जो आज उस तरह के हिंसा में शामिल हो रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे शब्दों में नहीं बट उनको भी रोकने के लिए कहा है। लेकिन जो असल बात है कि आज भी डिस्पाइट जिस तरह जितने दिनों से हम इसको फेस कर रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान या पॉलिसी ना 60 साल में पीछे, ना अभी, ना एक साल पीछे एक साल में कोई हमारे पास देखने को मिल रहा है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए। हालांकि उन्होंने 24,000 करोड़ का जो पैकेज का जो है वहां पे स्टील प्लांट, ये तमाम चीजें किए हैं, इन चीजों से फर्क पड़ता है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो अभी तक नहीं देखने को मिला किसी भी सरकार की तरफ से। चलिए बाकी दो पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे ही बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपनी अपील में, जरा पहले वो सुन लेते हैं। हिंसा के रास्ते पर पागल बने हुए युवकों ने किसी के बाप को मार दिया, किसी की मां को मार दिया, किसी मां बाप को वहां से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन 800 बच्चों से मैं मिला जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। उन 800 बच्चों को देख करके मैं कहता हूं हिंसा का कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य है तो शांतिमय मार्गों का है, वो आज मैं देख करके आया हूं।
हिंसा के रास्ते पर चले हुए नौजवानों को कहना चाहता हूं, कम से कम एक प्रयोग कीजिए, कम से कम दो पांच दिन के लिए कंधे पर से बंदूक नीचे रख दीजिए। सादे सीधे आदिवासी पहनते ऐसे कपड़े पहन लीजिए और आपके कारण जिस परिवार को कोई स्वजन खोना पड़ा है, किसी के बाप की मृत्यु हुई है, किसी की मां की मृत्यु हुई है, उस घर में बचा हुआ जो बच्चा है, पांच दिन सिर्फ उसके साथ ऐसे ही बिता करके आ जाइए। कोई सरकार आपको बदले, कोई कानून आपको बदले, कोई लोभ लालच आपको बदले, उससे ज्यादा आप ही की गोलियों से पीड़ा पाने वाला एक बालक आपकी जिंदगी बदल सकता है। शर्त यही है कि मानवता का अंगीकार करके कुछ पल उसके साथ बिता के देख लीजिए। मैंने देखा उन बच्चों को, आज हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मिल बैठ करके रास्ते निकल सकते हैं। विकास एक ही मार्ग है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें, कमर्शियल ब्रेक, और जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हुसैन दलवाई साहब, आपने अभी ब्रेक से पहले ये प्रधानमंत्री ने अपील की वो सुनी आपने, क्या लगता है ये प्रैक्टिकल तरीका है क्या? हालांकि उसमें उन्होंने अपील की है, वहां पहुंच करके अपील करना बनता भी था, लेकिन क्या इससे कोई समस्या का समाधान हो सकता है क्या? आप कैसे देख रहे हैं इस अप्रोच को? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नक्सलियों से अपील कर रहे थे, उसी दौरान ये भी खबरें आ रही थी कि तमाम लोगों को अगवा भी कर लिया गया नक्सलियों की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को और इस अपील को? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो ठीक है, हिंसा का मार्ग कहाँ भी लेके जा नहीं सकता, लेकिन खुद का उनका विश्वास इसके ऊपर है क्या? उनके पार्टी का इसके ऊपर विश्वास है क्या? आरएसएस जो उनके पीछे है उनका विश्वास है क्या? क्योंकि हर दिन कहाँ ना कहाँ वो हिंसा की बात करते रहते हैं उनके लोग, ये और वहाँ जाके अलग बात करना, ये मेरे ख्याल से गलत बात है। सही माने में अहिंसा के तत्व से ही इस देश इकट्ठा रह सकता है और समस्या हल से हो सकती है, वो उनका कहना जो है वो बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो सही बात है। वहाँ स्टील प्लांट बनाने की बात चली है, किसके लिए, कौन सा, क्यों, कौन आने वाला है? मेरे ख्याल से वही क्रक्स है उनके दिमाग में, जो नक्सलवादियों के दिमाग में ऐसा है कि वहाँ का कोयला, वहाँ का आयरन ओर, इसका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए कुछ लोग, धनवान लोग जो है उनका वहाँ इंटरेस्ट वहाँ है और वो वहाँ के आदिवासियों को भूमिहीन बना के ये सब बनाना चाहते हैं। तो उनको ये गारंटी दे रहे हैं क्या कि आपकी भूमि रहेगी, आपका यहाँ मुस्तकबिल बनेगा, भविष्य बनेगा, इसकी गारंटी कहाँ ना कहाँ देनी पड़ेगी। वो जब तक नहीं देते तब तक ये सब सारी ऐसा है कि मैं दो घटक इस देश में ऐसे हैं, एक है आदिवासी और दूसरा घटक है मछुआरा, कि दो लोगों का यहाँ के विकास के नाम से बड़ा नुकसान हो रहा है और ये दो घटक इस तरह से नुकसान करके विकास करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। तो हिंसा की तरफ ये क्यों जा रहे हैं? खाली कुछ लोगों की आइडियोलॉजी है इसलिए हिंसा की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता नहीं। हिंसा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको कहाँ ना कहाँ लगता है कि ये कोई ये व्यवस्था जो है, व्यवस्था में हमारा कुछ नहीं है,
ये मैं ये खाली भाजप और अभी की सरकार के हद तक ये बात नहीं करता, बात ये कर रहा हूं मैं कि कहां ना कहां उनको साथ में लेने का, विकास में उनको साथ में लेने का जो होना चाहिए वो होता नहीं, वो कहां ना कहां उनको टाल के विकास ये हो रहा है, इसलिए ये सब कहां ना कहां हिंसा की तरफ जा रहे हैं। हिंसा के तत्व के ऊपर विश्वास सही माने में करके उनके सवाल हल करने के लिए जो होना चाहिए वो होता नहीं। अभी वो वहां गए हैं, वो सही माने में अगर करेंगे तो ठीक है, लेकिन स्टील प्लांट किसके लिए लगा रहे हैं, स्टील प्लांट से क्या होने वाला है, इसमें लेकिन किसके कौन से वहां बाहर के मजदूर सारे आएंगे, वहाँ के आदिवासियों को स्टील प्लांट बनाने के लिए पहले वहाँ जो उनमें जो ये होना चाहिए उनके उनके लिए जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा तो दे नहीं रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बातें होनी चाहिए वो हो नहीं रहा है। वो स्टील प्लांट के लिए प्रधानमंत्री गए कि नक्सलवादियों को वहाँ के आदिवासियों के जो सवाल आते हैं वो छुड़ाने के लिए गए, ये सही मुद्दा है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, अब इसमें अगर हल सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी की रही कांग्रेस की रही, लंबे समय से इस समस्या का कोई हल ना तो कोई दे पाया है और ना ही कोई ऐसा प्लान तैयार किया गया कि इस समस्या से निपटा जाए। आपने स्टील प्लांट का जिक्र किया, अब बहुत लोगों का ये तर्क है, सभी चर्चा हो रही थी कि वहां रोजगार नहीं है, तो अगर रोजगार नहीं है तो कोई उद्योग अगर लगेगा तो उससे आपको लगता है कि इस समस्या का निदान हो सकता है, या आपकी तरफ से क्या सोच है, क्या हल हो सकता है इस समस्या का? दलवाई साहब, नहीं, वहाँ की भूमियों का जो भूमि का सवाल जो है, एक तरफ आप जिस ढंग से एक यूपीए सरकार ने लैंड एक्विजिशन का कानून किया था उसको ही विरोध कर रहे हैं, अब सारी भूमि इस तरह से कभी भी किसकी भी खींच के ला के बड़े लोगों को हाथ में देने का जो बात हो रही है, और गुजरात में ये हुआ, ये सही बात है, आदिवासियों की और दलितों की भूमि किसको किसको दिए इसकी जिक्र में मैं करता नहीं, सवाल लेकिन वही लेकर करना है। आप इतने लंबे समय तक रहे केंद्र में, लेकिन इस समस्या का अभी तक नक्सली समस्या तो कम नहीं हुई ना, चाहे आप जितने भी बिल लेकर के आए, नक्सली समस्या लगातार बढ़ी रही है, अभी नई सरकार तो एक साल हुआ। चलिए मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। नहीं देखिए, इसमें दो तीन सवाल खड़े हुए हैं विपुल जी। एक तो उपेंद्र जी ने सवाल, आपने उपेंद्र जी से एक सवाल किया था कि क्या ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी का इस तरह से कहना, अपील करना, क्या उनके ऊपर असर डालेगा? मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर असर डालेगा, क्योंकि मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि कोई मोटिवेशन ही है जो व्यक्ति को नक्सली बनाता है, और अगर वो मोटिवेशन व्यक्ति को नक्सली बना सकता है तो निश्चित तौर पर वो मोटिवेशन ही है जो उस व्यक्ति को सही रास्ते पर भी ला सकता है। इसका उदाहरण है डाकू अंगुली माल था, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उसको मोटिवेशन की प्राप्ति हुई तो संत बन गया। एक मिनट सुन लीजिए, लेकिन यहां बात यह है कि वो मोटिवेशन देने वाला कौन है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है दिलीप जी, जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के एक घड़े के एक निर्माण में अगर थपकी की जरूरत पड़ती है तो नीचे से उसको सपोर्ट देने की भी जरूरत पड़ती है, तो निश्चित तौर पर आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये दोहरी चीजें वहां आवश्यक है। जहां एक तरफ आपको सख्ती से भी पेश आना है तो निश्चित तौर पर जो लोग उस रास्ते को छोड़कर आना चाहते हैं उनके लिए स्वागत भी करना चाहिए, इस तरह की अपील करना चाहिए, नंबर एक। अब दूसरी बात, अभी दलवाई साहब ने एक दो प्रश्न खड़े किए, देखिए इसके कारण में दिलीप जी ने भी कहा ना कि इसके कारण में जाना पड़ेगा कि क्या कारण है। मुझे लगता है जो विकास में असमानता इस देश में पैदा की गई कि विकास के नाम पर कुछ लोगों का विकास हुआ और कुछ लोग जो विकास से वंचित हो गए वो लोग फिर इसका रास्ता नक्सल का अपनाए। मैं देखता हूं छत्तीसगढ़ में, देखता हूं झारखंड में, देखता हूं इन राज्यों में, आप जाके देखिए उन किस हालात में है, किन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति नक्सली बनना चाहता है। मैंने कई लोगों से वहां बात की, कोई व्यक्ति नक्सली बनना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपने कंधे पर अपने बंदूक के बोझ कर बहुत दिन तक लेकर नचना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार एक सरकार है जो आज जैसे प्रधानमंत्री जी 30 बताइए, इस देश में कोई प्रधानमंत्री 30 वर्षों तक अपने ही प्रदेश के एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नहीं जा सका। दिने जी, एक अच्छी पहल है, शुरुआत है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से आपकी वहां पर सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर जी, रमन सिंह बहुत पॉपुलर नेता है, उसके बावजूद नक्सली समस्या क्यों बनी हुई है? आप सवाल तो उठा रहे हैं जी, लेकिन जहां पे आपकी सरकार है वहीं से आप नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जायज सवाल आपका है बोल जी। देखिए, जब सरकार के इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकारें एक सीमित दायरे में उस राज्य का विकास कर सकती हैं।
अगर केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा तो आप कैसे विकास कर लेंगे? राज्य सरकारें तो हमेशा उसके लिए वहां प्रयत्नशील है, लेकिन चूंकि केंद्र में बहुत दिनों तक नहीं, केंद्र राज्य सरकार का विषय है, लेकिन कहां से उनको फंड कहां से आएगा? तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है और जहां जहां और आज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, आप देखिएगा निश्चित तौर पर ये नक्सली भी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर आएंगे। और ये सारे प्रयास आप चाहे नॉर्थ ईस्ट का आप देख लीजिए, आप झारखंड का देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, इनको प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है कि इनको भी कैसे हम विकास के रास्ते पर लाएं, कैसे इनका भी हम समुचित विकास कर सकें। इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, जब सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। जी एक बात और प्रधानमंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरीके से खून की होली खेली जाती थी उसका अंत हुआ, छत्तीसगढ़ में भी इसका अंत होगा। पंजाब और छत्तीसगढ़ की अगर हम तुलना करें, आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों स्थितियों? दोनों की समस्या में कोई तुलना ही नहीं है। वहाँ जो था वो आतंकवाद था, एक अलग देश के लिए मांगे लेकर रहे थे, उसमें एक विदेशी ताकत लगी हुई थी जिसका 1971 में बंटवारा हो गया था, तो वो बदले में उसको आतंकवादी को बढ़ा रहा था। तो एक था कि एक्सटर्नल मामला था जो अलग देश के लिए कर रहे थे, उनके सामने कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये बिल्कुल अलग है, ये तो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की समस्या है ना, उंगली माल की समस्या नहीं है। उंगली माल तो किसी अपने गुरु के आदेश पर लोगों को काट रहा था, वो हत्यारा था। नहीं, इनके भी गुरु होते हैं, ये है कि मर्द के निर्देश पर आवत है, मरता क्या न करता। तो मरता क्या न करता के कारण इसमें आए हैं, भले ठीक है कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं उसका फायदा उठा करके, लेकिन बेसिक समस्या वही है कि मरता क्या न करता। उनको आपने हृदयहीन बना दिया है, उनका उनको आपने भावना शून्य बना दिया है। अपने वो जमीन तैयार की हुई है जहां पर कोई भी जाके इस तरह का फसल अपना, हाँ वो कर दिया, वो कोई भी बहुत भोले भाले लोग हैं, आइडियोलॉजी को भी समझते हैं। आदिवासी हैं या जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो अपनी बुनियादी सुविधाओं को आज हासिल नहीं कर पाते हैं, आखिर कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता है कि हिंसा का रास्ता स्वाभाविक होता है। बहुत आदिवासी बहुत हिंसा लोग हैं, किसी के लिए भी ज्यादा स्वाभाविक रास्ता है समुदाय, लेकिन वो मिसलीड किए जाते हैं, मिसगाइड किए जाते हैं। लेकिन क्यों किए जा सकते हैं? क्यों इजीली दिल्ली में आके आरके पुरम के इलाके में या बसंत विहार के इलाके में या ग्रेटर कैलाश में या मुंबई के नरीमन पॉइंट पे जाके आप ऐसे तत्व नहीं ढूंढ सकते हैं? क्योंकि उनके पास वहां रोजगार है, काम है, वहां पे तमाम सुविधाएं मौजूद है। लेकिन वो लोग जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है, उनको ऐसे लोगों को बहुत आराम से जो तत्व है वो चाहे अपने किसी खास मकसद से भी करते हो, लेकिन उनको उनके लिए जमीन तैयार होती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे जमीन तैयार करके करने वालों के खिलाफ ना तो कभी कोई एक स्ट्रेटजिकली रणनीति के तहत ना तो उससे लड़ाई की गई है, ना ही वो जमीन को बेहतर करके ऐसे तत्वों को वहां पे प्रभावित ना करने के लिए जो स्थिति पैदा करनी चाहिए, जिसको उपेंद्र जी कह रहे हैं कि आप स्टेट को एस्टैब्लिश करिए, स्टेट हैज अ सर्टेन रोल टू प्ले। तो ये जो देखिए प्रधानमंत्री गए वहां पे स्टील प्लांट लगवाए, अब स्टील प्लांट लगवाए उससे अमीर आएंगे, उस गरीबों का भला होगा नहीं होगा, गरीब उससे और पीड़ित होंगे, ये एक सवाल है जो हुसैन दलवाई साहब चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, सांसद भी हैं, वो उठा सकते हैं, दिनेश जी उनका जवाब देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है बहुत क्लियरली कि जो स्थिति है इन इलाकों में, जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, उसमें ये तमाम चीजें, चाहे वो इंसर्जेंसी के रूप में हो, चाहे टेररिज्म के रूप में हो, चाहे वो नक्सल वायलेंस के रूप में हो, ये चीजें मौजूद हैं। अब देखिए कोई विकास होता है, देखिए मैं बतलाता हूँ विकास का क्या होता है। एक किताब है एशियन ड्रामा, उसके लेखक ने लिखा है कि एशिया के बहुत सारे देशों में भारत पर ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड है कि विकास जब आप करते हैं तो उसका दो, विकास का मतलब है कि आपने एक अस्थिर पानी में पत्थर फेंक दिया, पत्थर फेंकने के बाद उसका एक स्प्रेड इफेक्ट होता है, दूसरा बैकवास इफेक्ट होता है। तो स्प्रेड इफेक्ट होता है कि विकास से कुछ लोगों को लाभ होता है, और बैकवास इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ लोगों को नुकसान होता है। तो वहाँ की जो लोकल आबादी है हमेशा बैकवास इफेक्ट में आ जाती है, जैसे ही आपने विकास किया तो उनका जो कुछ है वहाँ के जानवर को मार करके खाते हैं, कुछ प्लांट्स हैं उसके पौधे को खाते हैं, कुछ और जो प्लांट्स हैं उसके टहनियों को तोड़ करके वो बेचते हैं, वो उससे आजीविका चलती है। वो सब आपे का एक रोक देते हैं, जो उनका जो ट्रेडिशनल जो आजीविका का जो आधार है उसको आप छीन लेते हैं और कोई नई आजीविका नहीं देते हैं। तो जहाँ जहाँ विकास हुआ पूरे भारत में वहाँ के स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है। झारखंड में सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में, अभी भी सबसे ज़्यादा वही होगा, अगर स्टेट वाइज देखा जाएगा तो झारखंड देखा जाए होगा। लेकिन वहाँ के लोगों की क्या हालत है, 50 साल पहले बोकारो स्टील लिमिटेड के लिए जमीन ली गई थी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।
हमें लगता है 50 पैसे 100 पैसे फीट या स्क्वायर फीट स्क्वायर गज की जमीन कीमत होगी। अभी तक वहाँ के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा दो। तो ये जो विकास किस तरह से आप कर रहे हैं, विकास से कौन लाभान्वित होने वाला है, विकास करने के पहले वहाँ के लोगों को आप विकसित नहीं कर रहे हैं, उसको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करेगा वो? उसको ज्यादा फोर्थ ग्रेड लेबर बनाइएगा आप, उनको फोर्थ ग्रेड लेबर बनाइएगा, वो यूनियनाइज होगा, फिर कोई कूद जाएगा उसके पीछे लाल सलाम कहते हुए, फिर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो सिर्फ फोर्थ ग्रेड लेबर बना करके स्थानीय लोगों को आप रखने की कोशिश करेंगे तो उससे और असंतोष बढ़ेगा। इसलिए जो विकास का जो सही तरीका है कि जिस क्षेत्र में आपको जमीन लेनी है तो उसके 10 साल पहले से वहाँ स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, आप पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करके फिर वहाँ के लोगों को तैयार कीजिए, और एक कहिए कि स्थानीय लोगों को इस लेवल पर, ग्रेड ए लेवल पर, ग्रेड बी लेवल पर, ग्रेड सी, ग्रेड डी, चारों लेवल पर रोजगार दिया जाएगा। फिर वहाँ का जो मेन जो इकोनॉमी है जो होगा वो बिजनेस वहाँ जो क्रिएट होगा जो बिजनेस में लोकल लोगों को दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दलवाई साहब की जो पार्टी रही है, जिनके सत्ता में रहे हैं, जो पूरी इकोनॉमी थी, जो नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी रहा है, जो जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से डेवलपमेंट का मॉडल रहा, हालांकि उस समय बहुत सारे विकल्प नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे भी जो जैसे बोकारो का बहुत बड़ा प्लांट लगा, स्टील प्लांट, उससे भारत में बहुत सारी तरक्की के रास्ते खुले हैं, लेकिन वहां पे जो आदिवासी थे, जो गरीब थे, उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनको वहां पे उचित जो उनको रास्ता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो हमारे जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रहा है, जो आज प्रधानमंत्री ने वहां पे स्टील प्लांट की बात कही, अभी उपेंद्र जी कह रहे हैं, दिनेश जी बता सकते हैं कि आप जो जब इस तरह से आदि इस इलाके में जाते हैं, आप कहेंगे विकास नहीं होगा तो भी शायद संभव नहीं है। विकास तो आपको करना होगा, लेकिन विकास में आपका इंक्लूसिवनेस है कि नहीं, उसमें उसका बेनिफिट है कि नहीं, इन चीजों को जब तक इंश्योर नहीं किया जा सकता है, तो ये भाषण जो है प्रधानमंत्री जी का, ये भाषण है, ये भाषण है। 5 दिन में नक्सली छोड़ने वाले, हिंसा जो नक्सली लगातार आप देखिए, जिस तरह की नक्सली हिंसा जारी वो कर रहे हैं, जिस तरह के हिंसात्मक कार्रवाई उनका है, उसमें इस अपील का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो रेदर दे विल बिकम, लेकिन एक प्रधानमंत्री हिंसागत क्षेत्र में, नक्सलवाद के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक तो है, क्या वो कहे 7 दिन की अपेक्षा आप 8 दिन बंदूक उठा लीजिए? मुझे लगता है ईमानदारी से प्रयास भी होना चाहिए और विकास की योजना लेके वहां तक गए। हम यही कह रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है ना कि नक्सल प्रभावित होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री 30 वर्ष तक नहीं जाते हैं। आपको बधाई देना चाहिए, एक प्रधानमंत्री नक्सलवाद क्षेत्र में गए। और मैं कह रहा हूं, जो जिसकी बात उपेंद्र जी उठा रहे हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, आज लोगों का विश्वास उठ गया है सरकारों से, पार्टियों के लोगों से, नेताओं से, ये विकास, ये विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे लाभ किसका पहुंचाएंगे? 60 वर्षों में जिन लोगों ने सिर्फ व्यक्ति का विकास किया है, पार्टी का विकास किया है, परिवार का विकास किया है, तो निश्चित तौर पर लोगों को अभी सरकारों पर विश्वास करने में समय लगेगा, लेकिन लोग विश्वास करना शुरू कर दिए हैं। आज जब हम मेक इन इंडिया की बात करना पड़ेगा, उसी दिशा में दिलीप जी, ये पहला कदम है मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया का मतलब यही है कि हर व्यक्ति का समुचित विकास। चलिए ठीक है, दलवाई साहब आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाते हैं, बीजेपी खराब, कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस। अरे एक चीज और, दलवाई साहब ने बहुत महत्वपूर्ण खराब मिस की हो गया, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जाकर अहिंसा की बात करते हैं, उन्होंने एक नाम लिया इसलिए जवाब देना जरूर, उन्होंने कहा यही आरएसएस के लोग और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरी बात करते हैं। मुझे लगता है जो आरएसएस को जानते हैं वो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। आरएसएस को जाने के लिए जरा आरएसएस के नजदीक जाइए, एक दो दिन की शाखाओं में जाइए, दलवाई साहब आपको जानकारी मिल जाएगी। वहां शाखाओं में अभी नेपाल में आता आपको पता नहीं था? सबसे पहले आरएसएस बिना आरएसएस को जाने हुए, बिना राष्ट्रीय स्वयं सेवक के साथ ताले को जाने हुए खाने का पता नहीं चला नेपाल में आप लोगों का? आरएसएस में दूसरे समाज के लोगों को नहीं, आपने कहा और भारतीय जनता पार्टी को सामने देख रहे हैं। दिनेश जी मुद्दे पे आइए, दलवाई साहब मेरा सवाल ये है कि एक जो बात उठ रही है कि जो विकास देश में हुआ है उसमें अलग अलग तरह का विकास हुआ है, एक भारत एक इंडिया दो हिस्सों में बट गया है, भारत में बहुत ज्यादा बेचैनी है, जहां लोग इस बात से क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं कि वो जो गैप है वो काफी बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि नक्सली समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है क्या दलवाई साहब? और उसको पाटने का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये देखिए कि
आज किसानों का सवाल इतने बड़े पैमाने पर आ गया है, 35% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे गया है और उनके वस्तुओं को भाव भी नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अस्वस्थता रूरल एरिया में है, ये हम लोगों को मानना ही पड़ेगा कि कहाँ न कहाँ ये आप उपेंद्र जी बोल रहे हैं, उपेंद्र जी ने एक बात जो उठाई कि न्याय देते वक्त भी अलग अलग न्याय मिलता है और वहां सलमान खान के बारे में न्याय देते वक्त जज ने खुद कहा है कि जो साधन होने चाहिए वो गरीबों के लिए साधन नहीं है, जिनके पास है वो न्याय लेते हैं, वो न्याय वहां गलत न्याय मिला ऐसा मैं नहीं कहूंगा, न्याय ठीक मिला, लेकिन ये गरीब अगर आदमी होता तो ये न्याय मिलता क्या? उसके लिए फिर ये सब सारी कोशिशें होनी चाहिए। आज ऐसा 15-15 लाख रुपए वकील लोग लेते हैं, वो 15 लाख रुपए कहां से गरीब आदमी लाएगा? उसके लिए फिर ये न्याय मिलने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए ये तो होती नहीं तो ऐसा मेरा कहना है। और जहां तक रिफॉर्म को लेकर क्यों नहीं कदम उठाया, जहां तक ये मुझे तो एक डर है कि अभी सरकार एक इसकी जो बात करती है विकास की बात करती है वो विकास इंक्लूसिव विकास की बात नहीं करती, सरकार जो बात करती है बड़े लोगों को किस तरह से भूमि देने का और उनके जरिए सब करने का, ये मॉडल जो चाइना में है वो चाइना का मॉडल यहाँ इस ढंग से लाने की कोशिश हो रही है, उससे मुझे डर है कि वहां नक्सलवादी एरिया में या जहां आदिवासी एरिया है वहां इस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करके किसका भला करने वाले हैं, ये सही माने में सवाल है। सवाल जो उठाया स्किल डेवलपमेंट की बात है क्या, वहां के लोगों को समय कैसा उसमें लिया जाएगा इसके बारे में वो सोच है क्या, कारखाना बनेगा लेकिन वो आदिवासी कहां जाएगा? आज मैं देखता हूं और मैं ये यहाँ ये सवाल भाजपा और कांग्रेस का करता नहीं कि जिनकी भूमि गई वो बेचारे हर दिन गेट के ऊपर खड़े रहते हैं, मुझे आज मिलेगा काम कि नहीं मिलेगा, वो बेचारे बाहर और आए हुए दूसरे लोगों को काम, और ये जिस तरह की आजकल फैक्ट्रियां खड़ी रह रही है उसमें मजदूर कितना लगता है, मजदूर बहुत कम लगता है, सारा नए टेक्नोलॉजी के जरिए काम होता है और वो सारा जो जो जिसमें से राशि पैदा होती है वो किसके हाथ में जाती है, ये सही माने में सवाल है। मैं ये आप ये मत भूलिए कि आप सारे लोगों को लेके विकास किस ढंग से करने का इसका सोच कहां न कहां आज की सरकार बिल्कुल भूल गई। भाई साहब ने दो सवाल खड़े किए हैं, आप कह रहे थे किसान ने बहुत संक्षिप्त में आपने कहा किसानों का विकास नहीं हुआ, असमानता आई, विपुल जी आपने स्वयं पूछा कि एक क्लास का शायद ज्यादा विकास होगा, एक क्लास जो है पिछड़ते हुए चला गया, तो सरकारें किसकी थी, पॉलिसियां किसकी थी? निश्चित तौर पर इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने का काम आपकी पार्टी ने किया है, इसलिए अगर कुछ अच्छा हुआ है तो ज्यादा आपके हिस्से में जाएगा, अगर कुछ बुरा अच्छा आप ले लेंगे बुरा दूसरा लेगा, ऐसा नहीं हो। और दूसरी चीज, आज इस देश में किसान कैसे किसानी करे, उसको बिजली नहीं है, उसको खेत में देने के लिए पानी नहीं है, उसको खेत में अगर खाद मानता है तो लाठी मिलती है, ये किसका कुशासन रहा है? आपने जो 60 सालों में जो खाई पैदा की है उसको पटने में समय लगेगा, और आपने एक शंका उठाई है कि वहां फैक्ट्री खड़ी होगी तो उसमें काम करने वाले लोग कौन होंगे, ये मेक इन इंडिया का पहला प्रयास है कि ठीक, अगर बाहर की भी कंपनी आए तो हमारे यहाँ वो अपना प्रोडक्शन पैदा करे और श्रम हमारे प्रधानमंत्री ने छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम मुद्दा बदलेंगे और दूसरे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सवाल वही है कि जो वोट लेने होते हैं बात गरीबों की होती है, बात किसानों की होती है, मुद्दा नक्सली का लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन मामला जब भी स्वस्थ बहस करने की हो तो आरोप प्रत्यारोप पर ही कहीं ना कहीं रुक जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे पर चर्चा। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अब बात करेंगे हम दूसरे मुद्दे की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसी वजह से संसद की कार्रवाई को भी, लोकसभा की कार्रवाई को 3 दिनों तक आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि GST कानून, जिसको कि सरकार अप्रैल 2016 से लागू करना चाह रही है, क्या
इस सत्र में पास हो पाएगा। राज्यसभा से पास कराना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सरकार के पास नंबर नहीं है। हालांकि ये बिल आपको बता दें कि कांग्रेस के समय ही लाया गया था और इस पर चर्चा एनडीए सरकार के समय से चल रही है, तो लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है। वित्त मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि इसको बार बार स्टैंडिंग कमेटी में ना भेजा जाए, ये इससे इसको भेजने से ये सही बात नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर के टिप्पणियाँ चल रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब तकरार तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, क्या उम्मीद करें जीएसटी को लेकर के? क्योंकि अगर देखा जाए सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है, ये इस बिल पर दोनों पार्टियां एक तरीके से राजी हैं। कांग्रेस जब लेकर के आ रही थी तो बीजेपी विरोध कर रही है, बीजेपी लेकर के आ रही है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। राज्यों के साथ अब सहमति बन गई है, जो कि बड़ा मुश्किल काम था। लंबे समय से यूपीए सरकार भी कोशिश कर रही थी, अब लगभग फाइनल स्टेज पर बातचीत हो गई है। कितना मुश्किल लग रहा है आपको जीएसटी बिल का पास होना? देखिए, 12 साल के बाद लोकसभा में पास हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं हमारे देश के राजनीतिक दलों में जो सियासत, जो सुप्रीम सर्वोच्च स्थान है उनका, जब वो सत्ता में होते हैं और विपक्ष में होते हैं, भूमिका जैसे ही बदलती है उनकी सोच भी लगता है बदल जाते हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे बिल हैं जिन पे पार्टियों को, दलों को एक राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दे के उस पर काम करनी चाहिए, जो अब तक नहीं हो रहा है और जो जीएसटी पे भी नहीं दिख रहा है। 12 साल के बाद लोकसभा ने पास किया, अब राज्यसभा में आप जब पास हुआ तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया लोकसभा से, और एक पार्टी समाजवादी पार्टी रहते हुए भी उन्होंने वोटिंग नहीं किया। तो कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस जो खास करके आपके जो सियासत जो है, पॉलिटिकल जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप आगे रखते हैं, दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, और उसके कारण जो ये बाधाएं जो है उसके कारण है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बाधा है, लेकिन अब जो बाधा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए है, उसके बियॉन्ड नहीं है। कांग्रेस के तरफ से बता सकते हैं हुसैन दलवाई साहब ही कि क्यों कांग्रेस का ये रुख है। हाँ हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिल तो आपका है, आप क्यों, आपकी पार्टी क्यों इसका विरोध कर रही है? ना, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल हम लोगों ने लाया था, लेकिन अभी जो बिल आया है उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की गई हैं, और इसके बारे में कांग्रेस पार्टी का कहना ऐसा है कि ये सिलेक्ट कमेटी में दीजिए, हमारा विरोध नहीं। हम हालांकि ये कह रहे हैं कि 12 साल लगे, ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाने के बाद थोड़ा लेट होगा। कुछ बिल ऐसे है ना कि सिलेक्ट कमेटी के पास गई और हफ्ते में वापस आई और वो पास किया गया। हमारा यहाँ पूरा ये सब हमारा कहना ऐसा है कि हम यहाँ ये नहीं करते कि कहाँ ये होना ही नहीं चाहिए, इस तरह की बात नहीं, लेकिन जो अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट कितनी ठीक है क्या है उसकी एक सिलेक्ट कमेटी के पास जाके इसका नाम पर विचार होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र में आज अलग अलग टैक्सेस के जरिए 13,000 करोड़ मिल रहे हैं महाराष्ट्र को। ये बिल आने के बाद, ये होने के बाद महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कॉम्पेंसेट करेंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन कॉम्पेंसेट करने के लिए हर दिन सेंटर की तरफ देखना पड़ेगा इसका। ये मैं महाराष्ट्र का ही उदाहरण और दूंगा कि अपट्रा खत्म करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वहां म्युनिसिपल पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारा जो टैक्स है वो आप खत्म कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू खत्म कर रहे हैं, और हमें हर दिन आपके दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ेगा। ये होने की वजह से वहां अक्ट्रा के विरोध में भी वातावरण रहा है, ये ध्यान में रखना। मैं चाहता हूं कि एक तरह से एक समानता आनी चाहिए, टैक्सेस कम होनी चाहिए और टैक्सेस एक जगह ही खड़े कर वसूल करने चाहिए, जिसके जरिए से एक तरह से विकास में, और हर दिन जो ट्रक खड़े रहते हैं। मेरा सवाल ये है, आपके समय जब बिल आया तब भी राज्यों से सहमति नहीं बन पाई थी, बड़ी मुश्किल से अब ज्यादातर राज्य जो है वो उनके साथ सहमति बन गई है, अब फिर संसद के अंदर इस बिल को फंसाने का औचित्य क्या है? क्योंकि आपके समय में भी जब बिल आया था तब भी पेच सिर्फ पी चिदम्बरम साहब ने बहुत कोशिश की, प्रणब मुखर्जी साहब ने बहुत कोशिश की, तमाम वित्त मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के साथ इसको लेकर के बैठक हुई, लेकिन बातें बन नहीं रही थी। अब जब बातें बन रही है तो फिर आप पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को, क्योंकि ऑलरेडी हम 12 साल लेट चल रहे हैं, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है देश का। नहीं, जिस ढंग से हमारा बिल आया था वही बिल लाई है ना,
फिर विरोध नहीं होगा, सहमति नहीं राज्यों के साथ सहमति नहीं बनेगी। दूसरा ऐसा है, सिलेक्ट कमिटी में जाने के बाद बहुत दिन लगने वाले हैं, ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात नहीं है। सिलेक्ट कमिटी के पास पहले कुछ बिल गए और सिलेक्ट कमिटी ने 8 दिन में उसके बारे में निर्णय दिया और सिलेक्ट कमिटी का बिल वापस आने के बाद करवा दीजिए, फिर यही बात पेश करके पेश कर दीजिए, पेश कर दीजिए। 12 वर्षों में तो मुझे लगता है कि भगवान राम को भी वनवास से आ गए थे, उनका भी राज्याभिषेक हो गया। 14 वर्ष सॉरी, तो 12 वर्ष तो हो गए इसके। वही आप उसको भी चाहते हैं कि ये भी हो जाए, तभी राम राज की स्थापना हो। हम कहते हैं कि जितना आपको कम ज्यादा करना था, 12 साल कम समय नहीं होता है। हाँ, हो सकता है आप लोगों को व्यक्ति या परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए कम हुआ हो, 60 वर्ष भी आपको कम लगते हो, लेकिन इसलिए अपने समय पे आप बोलिए। मैं कह रहा हूं हो सकता है किसी को फायदा, मान लीजिए आज पहली बार ये बिल बनने जा रहा है, आपको स्वागत करना चाहिए तो आप समर्थन दीजिए। अगर इस बिल में आपको कोई कमी नजर आती है आगे चलकर, जैसा आप सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है, आप आने वाले सत्र में आप चर्चा कर लीजिएगा कि ब्रह्मा की लकीर हो गई, संविधान में आपने संशोधन नहीं किया, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, देश आपके चेहरे को देख रहा है। आप हर विकास के मामले में कांग्रेस पार्टी का चरित्र जो है देश की जनता के सामने है, ये जो आपका हस्त हुआ आने वाले समय में, आज सारे राज्य चाह रहे हैं, अधिकतर राज्य चाह रहे हैं कि एक समान टैक्सेशन की व्यवस्था हो, आप भी चाह रहे हैं, क्योंकि उसका श्रेय आपको नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे मिल जाए। लेकिन दलवाई साहब, वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की सरकार को ये श्रेय मिलकर रहेगा, विकास में कोई रोड़ा नहीं है। दिनेश सिंह जी, एक बात मुझे बताइए, जब कांग्रेस ने बिल लाया था तो आपने विरोध क्यों किया, क्या मकसद था उसके पीछे? आपने कहा कि आप संशोधन किया ना, उस संशोधन राजनीति अगर आपने विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है, सिर्फ जब आप विपक्ष में उस वक्त आप चर्चा हम चर्चा मांग करते थे, चर्चा में सिलेक्ट कमेटी मांग करते हैं, दोनों में मूल आप सिलेक्ट कमेटी की मांग करते हैं और हम चर्चा की मांग करते हैं, आप चर्चा करिए, चर्चा करिए पहलू के अलावा सारे दिन रखेंगे और देश के प्रगति के लिए जनता का मामला आ जाए। ठीक है दिनेश, ठीक है, ये मामला 15 साल पुराना है, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका लाया था, उसी सरकार समय में असीम दास गुप्ता के नेतृत्व में एक वित्त मंत्रियों की कमेटी बनी थी, ये 2000 से शुरू हुआ, 2003 से, तब तक बहुत सारी बातें आ गई क्या क्या रहना चाहिए, उसके बाद 2003 से प्रयास शुरू हुआ इसको पास करवाने का, लेकिन ये 15 साल पुराना कॉन्सेप्ट है इंडिया में। और ये जो बोल रहे हैं कि इस राज्य को नुकसान हो जाएगा, उस राज्य को नुकसान हो जाएगा, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इमेजिनरी है, क्योंकि जीएसटी का क्या रेट होगा वो इस एक्ट से नहीं तय होना, ये तय बाद में होगा। इसमें होगा क्या कि बहुत सारे जो टैक्सेज हैं स्टेट गवर्नमेंट लगते हटा करके 3 टैक्स रह जाएंगे, एक जीएसटी स्टेट, एक जीएसटी सेंटर और एक रहेगा यूनिफाइड जीएसटी। और जीएसटी का रेट क्या होगा अभी तक तय ही नहीं हुआ, अब रेट तय नहीं हुआ तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को नुकसान हो जाएगा, तमिलनाडु को नुकसान हो जाएगा, और जो जीएसटी का रेट तय कब से होगा। सबसे विवादित मुद्दे हैं जैसे कि खासतौर से शराब को लेकर के पेट्रोलियम वो छोड़ दिया गया, नेगेटिव लिस्ट है ये अभी नेगेटिव लिस्ट है, तो 3 से तो सारा सरकारी अपने हिसाब से रेट तय करेंगे वो करेगा, उसके अलावा जो सब है उसमें जीएसटी तय होगा, लेकिन जीएसटी का जो रेट है अभी तय नहीं हुआ, अभी रेट जब तय नहीं हुआ है तो अभी से कहना कि नुकसान हो जाएगा, कैसे नुकसान हो जाएगा, अभी ये हुआ नहीं है कि 24% के हिसाब से लगेगा या 22% लगेगा या 25% लगेगा या 20% लगेगा, कुछ तय नहीं हुआ, तो इसलिए हमें लगता है कि पूरी तरह से इमेजिनरी मामला। हाँ, ये सही है कि जब कांग्रेस के समय में इसको पास करवाने की कोशिश होती थी तो सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा शासित राज्यों की तरफ से आता था, तो उनको डर यही लगता था कि अभी जो फेडरल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, गुजरात में भी इसका विरोध किया था, तो उसमें लगता था कि राज्य सरकार है उसके ऊपर केंद्र सरकार हावी हो जाएगी, तो ये चूंकि उसका अपना अधिकार क्षेत्र का मामला है तो वो विरोध होता था उसके कारण, उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन पार्टियों के नहीं होते थे बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना कंसिडरेशन है कि हमारी जो अपनी ऑटोनॉमी है, हमको जो फेडरल
सिस्टम में जो हमको पावर मिला गया है उस पावर का इंक्रोचमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो भी था विरोध था, जो एक तरह का साइकोलॉजिकल विरोध था कि हमारा जो ताकत है हमारा पावर आप कैसे हथियार रहे हैं। जेटली साहब ने वही आर्गुमेंट किया था जब वो अपोजिशन के लीडर थे कि आप एक फेडरलिज्म खत्म कर रहे हैं, फेडरलिज्म खत्म कर, हर दिन हर वही बात चलती थी। 23 लाख इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हमारा कहना है कि ठीक है ये लाई है, लेकिन वैसे सिलेक्ट कमिटी में जाके थोड़ा सा उसका अध्ययन होने दो, उसमें कुछ गलत बातें होंगी तो निकल जाएंगी। इसके लिए हमारा कंस्ट्रक्टिव ये है, हम कंस्ट्रक्टिव लाइन लिए, हम अपोजिशन की लाइन नहीं लिए रहे, ध्यान में लीजिए। 12 वर्षों तक उसका निराकरण नहीं हो पाया था। आपने नहीं किया ना, 12 साल आपने नहीं किया, आप इस तरह से करते थे। 12 साल जनता, 12 साल किसने आड़े से करते थे, इसलिए आपको शक है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिनेश जी वो कह रहे हैं 12 साल में, 10 साल तो पीछे आपने इसका विरोध किया अपने तरीके से, अब वो एक साल से विरोध कर रहे हैं, तो आपने 10 साल किया है, 12 साल किया है, कुछ तो ये भी करेंगे। नहीं, हम तो राष्ट्रों के हित के लिए, हम तो जनता के हित के लिए, हम विरोध कर रहे हैं पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित को विरोध कर रहे हैं तो जनता हित नहीं, फुटपाथ के मुद्दे नहीं बातें करें। इसलिए मुझे लगता है कि कहने के पहले सोचना चाहिए कि आप किसके ऊपर कह रहे हैं, एक अंगुली आप इंगित कर रहे हैं, चार अंगुली, हमारी तो नियत स्पष्ट है। फाइनल टिप्पणी दिलीप से लेते हैं, दिलीप क्या लग रहा है? मैं तो ये मुझे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टी के जब मैं स्टैंड को देखता हूँ, कई सारे बिल पे मैं लगातार पार्लियामेंट मैंने कवर किया, मैं देखता हूँ कि जब जैसे ही वो उनकी भूमिका इधर से उधर बेंच बदलता है तो पूरी लगता है सोच बदल जाती है, या सोच क्यों बदल जाती है मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। कई बार मैंने सोचने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि जो सियासी हित है या जो सियासी स्कोरिंग पॉइंट्स हैं उसके बियॉन्ड कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अभी भी दोनों पार्टियों के बारे में मैं, और क्योंकि आप देखिए वही भूमि अधिग्रहण बिल था, आप उठा के देख लीजिए सुषमा स्वराज के बयान को देखिए, आप जो खामियां उन्होंने गिनती करवाई थी आज वो खामियां कांग्रेस गिनती करवा रही है, जो वो सत्ता में थी तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही थी, तब कांग्रेस उस समय की कांग्रेस के मंत्रियों का आप देख लीजिए। तो ये विडंबना है, ये स्थिति है, मुझे लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नेतृत्व को, जो भी नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं उनको एक कम से कम देयर सर्टेन पॉइंट्स दैट दे हैव टू डिस्कस एंड डिसाइड, एक कोई बैठक हो कि भाई आपको किस तरह से इस देश को आगे ले जाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप साइड में अलग रख के कम से कम आप सियासत करें। आप 24 घंटा आप सियासी दल है, सियासत करना आपके आपकी जरूरत है, लेकिन जहां पे कुछ चीजें हैं जिससे कि देश का नुकसान हो सकता है, जिससे देश का विकास हो सकता है, इन चीजों के बारे में एक राय बनाने के कि कम से कम प्रयास में आप करते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ चलाते भी रहिए। कम से कम राज्यसभा में आप वो कह रहे सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, अब बेहतर है दहलवी साहब भी बता सकते हैं कि आखिर सेलेक्ट कमेटी में भेजने से उनको क्या क्या उपलब्धि होनी है, किस देश के किस हित को वो साध रहे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मेरा कहना ऐसा है, दिलीप साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि लैंड एक्विजिशन का बिल जब पास हुआ तब उसके पहले सारी बहस हुई, चर्चा हुई, अपोजिशन को लेके बैठ के ये हुआ, अपोजिशन ने कुछ बातें बताई, उसमें अमेंडमेंट की गई, और उसके बाद वो भाजपा का के सारे नेताओं ने जोरदार उसका समर्थन करके वो बिल पास हो गया, कानून हो गया। अभी वो उसमें क्यों बदलाव लाना चाहते हैं? हम कहां से इंकार कर रहे हैं दलाल साहब? भारत का संविधान बना तो सब लोगों ने सहमत बताई, आपने कितने उसमें परिवर्तन, बात ये नहीं है, कोई भी हम आज भी तो कह रहे हैं आप बिल बनाइए, आपको संशोधन की आवश्यकता है, आप करिए, आप सेलेक्ट कमेटी में हर बिल को भेज कर इसका उसको 12 वर्ष का बनवास देने का काम आपका। दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उपेन्द्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल जो निचोड़ निकला है वो यही कि राजनीति करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएं, लेकिन जहां राष्ट्रहित की बात हो, राष्ट्र के विकास की बात हो, वहां पर राजनीति के साथ साथ इनके साथ समझौता ना करें। फिलहाल घटनाचक्र में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।